नीमच विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी उमराव सिंह गुर्जर को मुद्दों के आधार पर भारी जनसमर्थन मिलता दिख रहा है। ये बात हनुमंतिया राव, किशनपुरा, थड़ौली, जावी आदि ग्रामीण क्षेत्र के रहवासियों ने कही। ग्रामीण क्षेत्र के मतदाताओं का कहना था कि सरकार ने किसानों की आय दुगना करने का वादा किया था, लेकिन हमारी आय आधी रह गई। डूडा चूरा, बिजली, समर्थन मूल्य, फसल मुआवजा, फसल बीमा, सिंचाई हेतु पानी आदि मुद्दे ग्रामीण क्षेत्रों में गर्माए हुए हैं। उमराव सिंह गुर्जर ने 15 गांवों में दौरा किया, जगह जगह फलों से तोल कर फूल मालाएं पहना कर और पुष्प वर्षा कर उनका भव्य स्वागत किया गया। जनसंपर्क के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस जन समर्थक और गांववासी उनके साथ मौजूद रहे। सुनिए गांववासियों ने वॉइस ऑफ एमपी के कैमरे के सामने क्या खास बात कही। हम गांव के इकट्ठे होकर हमारी समस्या लेकर विधायक जी के पास गए थे। उन्होंने कहा कि कौन से गांव से, हमने कहा सर किशनपुरा से, तो मैं किशनपुरा को जानता ही नहीं हूँ, ऐसा बोला उन्होंने कि मैं किशनपुरा को जानता ही नहीं सर। हमारी मैंने कहा सर हमारे काफ़ी सर लोग गए थे, तो मैंने कहा सर हम हमारे गांव में शमशान नहीं है और हम हमारा रास्ता नहीं, पुलिया नहीं, ये समस्या लेकर गए थे छोटी सी समस्या। तो उन्होंने कहा कि किशनपुरा के लोग तो मैं तो वोट ही नहीं थे। फिर मैंने कहा सर हमने भारी मतों से आपको जिताया क्या, तो सर आप ऐसा भूल गए पर हम याद रखेंगे आपकी ये बात। उन्होंने हमारी समस्या हल की नहीं और इसलिए हम बदलाव चाहते हैं और भारी मात्रा में बहुमत देके कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे। आप क्या कहें? हम यही कहते हैं कि उमराव सिंह गुर्जर विजय हो। अगर उमराव सिंह गुर्जर पराजय होता है तो किसान पराजय होता है, इसलिए किसानों की समस्या उठाते हैं तो उमराव सिंह गुर्जर उठाते हैं। रात को जाओ, दिन को जाओ, किसी गांव का जाओ, हर गांव में 5-5, 10-10 बंदे का नाम मुखर बिंद याद है। और दिलीप सिंह परियार तो लाल मिट्टी सफेद मिट्टी की बात करते हैं। अभी किसानों को सोसाइटी में खाद उपलब्ध करा दे तो किसान दर दर क्यों बट गया? किसान के पास खाद लेने के लिए वेयर हाउस पर जाओ, वहाँ पे लाइन लगाओ, पावती ले जाओ, आधार कार्ड की फोटो कापी कराओ और फिर खाद पाओ। किसान की आय दोगुनी कैसे होती है आप बताओ? खाद तो मिलता नहीं तो किसान की फसल चलेगी कैसे? इसलिए आप धरती ये अभी वर्तमान की स्थिति देखो, इस गांव की स्थिति देखो, कहाँ पे पक्का मकान है, कहाँ पे पक्का मकान मिला हुआ? ये पूरा गरीब गांव है। हमने पूरा गांव में भ्रमण किया, इस गांव में एक भी प्रधानमंत्री आवास की योजना नहीं है। तो फिर इस गरीब गांव में आवास योजना नहीं है तो आवास योजना क्या आसमान में चल रही है क्या जमीन में चल रही है? ये सब गरीब लोग देखिए, आप यहाँ पे भी जाइए, कहीं पे भी जाइए, मैंने पूरा गांव में भ्रमण किया, इस गांव में एक भी प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं है। क्या इस गांव में नीमच जिले में रहते हैं? तो हमारा यही निवेदन है। अफीम किसानों पर बात करेंगे, बताइए। अफीम को हम जल्दी से जल्दी, जैसे ही कमलनाथ सरकार बनती है तो उसको एनडीपीएस एक्ट से बाहर निकालते, इनको किसानों को राहत दिलवाएंगे। जो भी अफीम की नीति के तहत किसान अंदर बंद है उनको जल्दी से जल्दी उनको छुड़वाने का पूरा प्रयत्न करेंगे। गाँवों के अंदर कोई मूलभूत सुविधाएं नहीं है, ये विकास की बात करते हैं, इतनी दयनीय स्थिति में ये गाँव के लोग रह रहे हैं। और जिधर भी हम उमराव सिंह जी के साथ जा रहे हैं उधर बहुत जबरदस्त लहर है, मतलब गांव से गांव उलट रहे हैं। और उमराव सिंह जी नीमच विधानसभा से 20,000 वोटों से 25,000 वोटों से जीतने जा रहे हैं। आप क्या? 15 साल तक विधायक का कार्यकाल रहा, एक भी व्यक्ति का फोन उठा के उन्होंने कुछ काम नहीं किया। और 35 साल से लगातार उमराव भैया बिना बद के, बिना किसी लालच के, रात की 2 बजे, 12 बजे, 1 बजे कभी भी फोन लगाओ, दुख सुख में आके हर व्यक्ति के, छोटे बच्चे हो चाहे युवा हो, बुजुर्ग हो, किसान हो, हर लोगों के बीच में आके खड़े रहते हैं। और उमराव भैया 25,000 प्लस वोटों से विजय होंगे। हमारे नेता जो है किसान नेता उमराव सिंह गुर्जर, उनका कोई VIP कल्चर नहीं। वो जैसे एक फिल्म का माध्यम होता ना, आदमी सड़क का, सड़क पे चलते हैं, ना कभी ये सोचा कि मेरे प्रेस वाले कपड़े चाहिए, VIP गाड़ी चाहिए, हर किसी गाड़ी बैठ जाते हैं, दुख दर्द में, मौत मरण में 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं। इसलिए इस क्षेत्र की जनता उनकी दीवानी है और उनका जितना लगभग तय है। जो मुद्दा है उसमें क्या है कि इनकी पूरी प्लानिंग रहती है, षड्यंत्र चलता है, मुखबर भी इनके आदमी, पकड़ने वाले इनके आदमी और तोड़बट्टा भी इनका करवाते हैं, उनमें इनका 50% का कमीशन रहता है। तो ये सारी सेटिंग से चल रहा काम। अफीम जो है वो किसान पैदा करता है और किसान के लिए गला काटने में लगे हुए हैं। आप कहते हैं? मैं गांव चड़ोली के रहने वाला हूं, अभी भाई साहब के साथ में दो गाँव किशनपुरा, विधायक साहब मुझे अच्छी तरह पहचानते हैं, उनके कार्यालय का उद्घाटन कार्यालय है अम्बेडकर मार्ग पर, मेरे गांव की समस्या लेके मैं गया,
पहचानते हो? बोला भैया आप तो कहाँ के? मैं क्या भाई साहब के साथ 10 बार बैठक हुई है और मैं एक एनजीओ में काम करता हूँ, समाज शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार। हमने आपके साथ 100 युवाओं के साथ बैठक की, मीटिंग भी करवाई, आपकी समस्या भी बताई युवाओं की। मेरे गांव चढ़ौली से सौरिया महाराज 4 किलोमीटर दूरी पे करीब करीब 80-90 बालक और बालिका 6-8वीं से 10वीं और 12वीं तक स्कूल में जाते हैं। बरसात के दिनों में इतनी हालात ख़राब होती है, मैंने उनको अवगत कराया कि भाई साहब हमारी नाला एक खुलिया बना दो। उन्होंने ये कहा अबे यार चढ़ौली है तो जावद में ना यार, ये किशन ये नीमच में कहें। मैं क्या भाई साहब आपको बोटिंग करवाई मैंने, जिस समय तो जावद नहीं है, आप पुलिया के नाम से आप जावद में बता रहे, मतलब आपको समाधान नहीं मिला? समाधान नहीं मिला, उनको अवगत कराया पुलिया में। क्या भाई, अरे यार आप तो कांग्रेस ही थे ना उमरा गुजर। मैं क्या भाई साहब एक पत्थर तो गाड़ो, कांग्रेस को छोड़ो, मैं आपको 100 जितने भी 90% वोट पड़ेंगे आपको 80-85% जो है जिता के जोड़ूंगा। गाँव में किस तरह का माहौल है, क्या गाँव में पूरा माहौल कांग्रेस के पक्ष में है। 17 तारीख के दिन सुबह उठते ही सबको हाथ के पंजे पे मोहर लगाना है। और किसानों का सबसे बड़ा मुद्दा है कर्ज मत, जो कमलनाथ जी कर भी रहे थे और प्रक्रिया चालू भी थी, पर बीच में ही उनकी कुछ जयचंदों ने मिलके उनकी सरकार गिरा दी। और दूसरा मुद्दा है सबसे बड़ा बीमा, फसल बीमा। और किसानों का तीसरा मुद्दा है सबसे बड़ा फसल का समर्थन मूल्य, जो किसानों को अभी तक नहीं मिला। आप क्या कहेंगे? हमारे गांव में सिंचाई जल परियोजना से बाहर कर दिया गया, क्योंकि ये हमारा मेन हक और अधिकार है, उससे हमें वंचित कर दिया गया, तो हमारे परियोजना से बाहर कर दिया गया। इसलिए पूरा आक्रोश है और बीच का अपन कांग्रेस को जिता के रहेंगे। निश्चित रूप से इस बार बहुमत से सभी, चाहे भाजपा या कांग्रेस हो, सभी का एक ही मत है कि परिवर्तन लाना है और उमरा भाई साहब को जिता लाना है। क्या कहेंगे किसानों को लेकर, अफीम किसानों को लेकर? इन किसानों को सभी ऐसी परेशान है, सरकार में तो मतलब ही नहीं है और परिवर्तन आने वाला है। और अब माहौल देख ही रहे हो जावी का, एक तरफा उमरा भैया या तो फसल बीमा भी नहीं मिला था, बीमा भी नहीं मिला। और जो फसल का पैसा मिलना चाहिए मुआवजा वगैरह वो भी नहीं मिला, और फसल हमने मतलब पानी के अंदर काटी थी और बाहर निकाली तो बाहर बरसात हो रही थी, घर पे लाए तो वो भी खराब हो गई। 50 किलो बीजे की, तो उसमें भी हमारे को बीमा चाहिए था, बीमा नहीं मिला। विधायक साहब से बोला था आप हमें बीमा दिलाओ, बोले कि आप लिख के दे दो हम दिला देंगे, लिख के दिया, पंचायत ने भी दिया, आज दिन तक कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई। और दिलीप सिंह जी ने जब से जीत के गए वापस गांव की, इस गांव की तरफ देखा भी नहीं उनको अभी तक, क्या हो रहा गांव में पब्लिक के साथ, किसानों के साथ क्या हो रहा, कुछ नहीं। और प्याज के भाव बढ़ते, दिलीप सिंह जी को खुद को उस समय बड़े थे माला पहन के जुलूस निकाला था नीमच के अंदर, इनको किसानों के साथ कहाँ है वो? यहाँ पे किसान बिल्कुल भी नहीं है, और पानी में कितना परसेंट फ्लोराइड है उसको कोई देख नहीं रहा है। कितने भी साल हो गए दिलीप सिंह परिवार से कितनी बार बोल दिया है लेकिन यहाँ नहीं बता रहे। पानी के विषय में पेयजल पीने का जल मांग रहे, सेवा की है, सेवा भी नहीं हुई पानी पिलाने की। अफीम की डोरा सुनेगा सरकार ने 20 साल हो गए, आज दिन तक कभी भी जब कांग्रेस की सरकार थी तब डोरा सुनेगा आज दिन तक 20 साल हो गए डोरा छुरे के मामले में परेशान है। अब्दुल अली रानी के साथ अशफाक बर्मन की रिपोर्ट।